जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम मीठे में बना रहे हैं बर्फी, सेब की बर्फी, एप्पल बर्फी बना रहे हैं। मेरे पास आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मेरे पास दो सेब हैं, मैंने दो सेब ली, ग्रीन सेब मैं यूज़ कर रही हूँ। और 1 कप मेरे पास शुगर है, 1 कप ग्रेटेड कोकोनट मैंने ये नॉर्थ लिया है, ग्रेटेड वाला नहीं लिया, ये मैंने फ्रेश लिया है, उसे ग्रेट कर लिया मैं अच्छे से, बारीक बिल्कुल बारीक है। और साथ मेरे पास ये पिस्ता एंड बादाम मैं यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर गार्निश के लिए। चलें जी, अब हम सेब को काटते हैं, बारीक बारीक का काटेंगे जी। अब मैं चीनी डालने लगी हूँ ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और चीनी और कोकोनट अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने बिल्कुल देखें, मैं सेम मैंने बिल्कुल लाइट रखा है, ज़्यादा नहीं फुल किया। अब मैं साथ में इसे कोकोनट ताकि ये इजीली मेल्ट होती रहे, अगर क्योंकि चीनी ज़्यादा मैं गर्म करूँगी नीचे, आँच फुल तेज़ करूँगी तो नीचे लगने का ऐसे है, ठीक है ना? तो ये मैं इसे हल्के से मेल्ट होने देती हूँ ताकि ये इजीली मिक्सअप हो जाए हल्की सी आँच पे। देखें कि मेल्ट हो रही है, इसमें से आवाज़ जो उसकी आ रही ना बिल्कुल लाइट लाइट आके इसकी ये से पता लग रहा है कि मेल्ट होना शुरू हो गई, बिल्कुल हल्की आँच पे ये मेल्ट हो रही है। आँच में रखी है ताकि अच्छी से ब्राउन भी हो जाए शुगर, मेल्ट भी हो जाए, नहीं तो अगर मैं फ्लेम हाई करूँगी तो चीनी के जलने का भी है, जल भी सकती है। ये देखें कलर चेंज हो गया इसका, अब और मैं थोड़ी देर से बनाऊंगी ताकि अच्छे से इसका मेल्ट हो जाए, ब्राउन होना शुरू हो जाए। अब मैं ज़रा सा इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि इसका आया एकदम अच्छा हो जाए। जी देखें कलर चेंज हो गया, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे से देखिए जी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम एप्पल ऐड करेंगे, ठीक है जी। मैंने सेब ऐड कर दी है, अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और अभी थोड़ी देर से रखेंगे ताकि उनके सेब का भी अपना पानी निकल जाए, ठीक है? थोड़ा हल्के हल्के आँचे से हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि सेब का भी पानी बहुत निकलता है, इसीलिए इस पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब होगा, उसके बाद हम इसे देखेंगे। ये देखें कि सेब का पानी कितना निकल रहा है, अच्छे से ये ख़त्म होगा। तो ये है कि इस पर टाइम बहुत लगता है लेकिन ये चलता बड़े मजा आते हैं। देखें कि अब सारा जो है पानी ऊपर आ गया और सेब नीचे बैठ गया। मैंने देखें सेब को बहुत बहुत बारीक काटा है, देख लें, क्योंकि इसने मैश होना है, बिल्कुल बर्फी की बनना है इसको। देखें अभी साफ नरम हो रहे हैं सेब, नीचे मैश हो रहे हैं। देखें जी कितना हर चीज़ में बीच में मिक्सअप हो गई है। अब 5 मिनट ही बस सब फिनिश होने वाली है, कुक हो गई है, बस 10 मिनट और लगेंगे, क्योंकि देखें थोड़ा अपना सा पानी नजर आ रहा है आपको, ये भी ख़त्म हो गया है जी। मैंने सेब मिक्स कर लिया है, मैं सेब पर जी फ्लैट कर लिया मैंने ऊपर से, अब हम इसे गार्निश के लिए बादाम से जो है वो ऐड कर देंगे। देखें कि हमारी एप्पल की बर्फी रहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।